आज की क्लास है राइट द फॉलोइंग टाइम इन वर्ड्स, इनको वर्ड्स में लिखना है ओके। ये क्या है 4:15, अब आप इसे 4:15 भी कहते हैं टाइम, या आप ऐसे भी कहते हैं 4:15। जैसे ही आपको 15 मिनट्स दिखे ना, तो 15 मिनट्स मतलब होता है 4:15, तो अब 4:15, अब ये क्या है 4, ये आ गया। इसका क्या होगा 6:15, 12:15। नेक्स्ट है 7:30, 30 का मतलब होता है 7:30, अब 7:30, 7:30 लिख के ये 7 आवर्स वाला पास्ट के बाद लिखते हैं, तो 7:30 को हम 7:30 भी कह सकते हैं, 4:30 को 4:30, 9:30। अब 45 क्या है, 45 है 2:15, 2:15 कैसे, इसको हम 12:45 तो बोलते ही हैं, हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि 1:15, तो 1:15 मतलब 2:15। अब ये ध्यान रखना 2 में ये 12 है ना, 12 से आगे क्या होता है घड़ी में, क्या बचता है 1, 13 मत लिखना 1, तो इसको कहते हैं हम 2:15, इससे आगे में आएगा, पास्ट में वही आता है, देखो पास्ट में यही आता है, लेकिन 2 में इससे एक बाद का आता है घड़ी में जो होता है, इसका क्या होगा 2:45, इसका 2:15। ऐसे ये जो है हमारा टाइम 3:50 भी हो सकता है, या 10 मिनट्स भी हो सकता है, 10 मिनट्स, अब ये 2 है, 2 में इसके बाद वाला लिखेंगे 4, इसका मतलब है 4:10, 10 मिनट्स टू 7, 10 मिनट्स टू 11, 10 मिनट्स टू 12। ऐसे ही 55 का होगा 5 मिनट्स 2, अब 2 आ रहा है मतलब आगे वाला 3, 3:05, इसका होगा 5 मिनट्स टू 9, 5 मिनट्स टू 4, यहाँ तक आपके हो गए। अब इसके बाद अगर आपको कोई भी ऐसा मिलता है तो उसमें हम लिखते हैं पास्ट, ऐसे लिखते हैं 10 मिनट्स पास्ट, अब पास्ट है ना, पास्ट में ये वाला ऐसे ही लिखते हैं 10 मिनट्स पास्ट 4, 35 मिनट्स पास्ट 2, 20 मिनट्स पास्ट 7, 40 मिनट्स पास्ट 8, 10 मिनट्स पास्ट 6, 5 मिनट्स पास्ट 7, और आप इसको भी लिख सकते हैं 55 मिनट्स पास्ट 8, 50 मिनट्स पास्ट 10, ऐसे भी पास्ट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चलता इस फॉर्म में है। और इसको भी बेटा हम 30 मिनट पास्ट 9 भी लिख सकते हैं, 50 मिनट पास्ट 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब भी आपको 15, 30, 45 ये मिलेगा तो इसमें आप यही लिखना, बाकी में अगर आपको नहीं समझ में आता तो ये आपके मिनट्स हैं, दिस मिनट पास्ट ये नंबर लिख देना, ये है आपका टाइम का कॉन्सेप्ट। देखिए हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स, यानी 9 आवर्स से हमें मिनट में जाना है, 12 आवर 5 मिनट्स है, इनको टोटल मिनट्स में कन्वर्ट करना है। अब आप यहां यूनिट देखो, यहां आ रहा है आवर, ये आ रहा है मिनट, तो यूनिट क्या होती है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। अब आपने ये लिख दी, अब आप क्या करेंगे 9 को पहले 9 आवर लिखेंगे, फिर 9 मल्टीप्लाई 60 से, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 54, ये एक जीरो आ गया, ये आपका मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, देखो ये तो मिनट में ही है, इसको छेड़ने की तो जरूरत है नहीं, ये हमारा आर में है ना, तो सबसे पहले हम यूनिट लिखेंगे 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 12 आवर्स 5 मिनट्स, आप पूरा क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे। अब 12 को तो हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे 60 से, यह पूरे मिनट बन गए, अब इसमें ये 5 हम प्लस कर देंगे, तो 12 × 6 = 72 5। अब ये यहाँ रफ में आप लिख लीजिए और इसको आप ऐसे प्लस कर दीजिए, ये आपका आ गया। लिखने का तरीका देखो ऐसे होना चाहिए, पहले आप यूनिट लिखोगे, फिर क्वेश्चन लिखने के बाद प्रॉपर आर है तो आर को ही चेंज करोगे, मिनट से उसे प्लस करोगे, तो प्रॉपर लिखने का तरीका यही होना चाहिए आपका।